ECIL के एक्सपेंशन कार्यक्रम में हम लोग आज उपस्थित हुए और आज हम लोगों ने एक्सपेंशन का आधारशिला भी रखा। इसे माननीय मंत्री चंपा सोरेन जी, बन्ना गुप्ता जी, संजू राय जी, रामदास सोरेन जी और सभी हमारे स्थानीय विधायक उपस्थित हुए। साथ साथ में टाटा समूह के सीईओ नरेंद्र जी भी रहे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब हम लोगों ने इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च की थी उसी समय ये बात हुई थी कि टाटा समूह इस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन करने को तैयार है। इसी का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये बने और इससे लगभग प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोग और प्रत्यक्ष रूप से 5 से 7 हज़ार लोगों को लाभ मिलेगा। ये कहीं ना कहीं औद्योगिक विस्तारीकरण पर ये एक बेहतर कदम है और हम लोगों ने जो इंडस्ट्री पॉलिसी देश के समक्ष रखा है इससे लोग काफ़ी प्रभावित भी हैं और इसके साथ साथ कई इंडस्ट्री भी अपने यहाँ पर उद्योग लगाने की तैयारी में है। कई तो लगे भी, शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हो गए, प्रोडक्शन भी चालू हुआ, क्योंकि एक के बाद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आज टाटा समूह के आज इस परियोजना के विस्तारीकरण कार्यक्रम का भी हम लोगों ने आधारशिला रखा। सर, नई कंपनियां लग रही, पुरानी कंपनियों खोला जाए या केबल कंपनी बंद है? हमें भी मालूम है केबल भी बंद है, टायो भी बंद है और भी कई कंपनियां बंद हैं। इस पर विभाग चिंतन कर रहा है और संबंधित समूहों के साथ वो पूरा कैसे स्टार्ट हो या नए तरीके से वो उसको चलाया जाए या पुराने तरीके से, इस पर हम लोग चर्चा में हैं। उसको ये बहुत जल्द रिजॉल्व कर लिया। सर, इंडस्ट्री टूरिज्म बहुत क्षेत्र में आप लोगों ने नई नई पॉलिसी लाई है, क्या रिस्पॉन्स है? अगले साल चूंकि चुनाव भी है उसको देखते हुए। देखिए, चुनाव को देखकर पॉलिसी नहीं बनाई जाती, ये सब लॉन्ग टर्म सोच के साथ बनाई जाती है और इसके दुर्गामी परिणाम भी देखने को मिलता है। तो इसलिए ये चुनाव के मद्देनज़र नहीं, राज्य के समग्र विकास के मद्देनज़र ये चीज़ें निर्णय ले जाते हैं, नीति निर्धारण की जाती है, उसके तहत ये काम होता है। सर, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन है, एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी समस्या है। एयरपोर्ट को लेकर चिंता है, अभी हम भी उस बात के लिए चिंतित हैं। लेकिन बगल में दालभूमगढ़ पुराना एयर स्ट्रिप रहा है, उसकी हम मांग भारत सरकार से कर रहे हैं लेकिन अभी तक बहुत सकारात्मक जवाब हमें नहीं प्राप्त है। अगर वो हमें मिलता है तो निश्चित रूप से टाटा और झारखंड के लिए एक बहुत बेहतर वहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाया जा सकता है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, चाहे गुड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, उन दोनों चीज़ों के लिए वो जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है।